नमस्कार, आप सभी का कविता इज हेयर चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन एवं तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनज़र विश्वविद्यालय के स्थगित परीक्षाओं के पुनर्संचालन पर संशय की स्थिति पूर्णतः समाप्ति की ओर है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि MHRD ने लिया फैसला, सभी राज्यों में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने ये फैसला लिया है कि देश के सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, जिसके लिए UGC की निगरानी में एक टास्क फोर्स गठित की है जो नए सिरे से एग्ज़ाम पर गाइडलाइन जारी करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, लेकिन कब और कैसे होंगी, इसके लिए UGC ने एक टास्क फोर्स गठित की है। टास्क फोर्स ये देखेगी कि कहां कहां क्या परिस्थितियां हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कैसे होंगे और अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों में विश्वविद्यालय क्या फैसले ले सकता है, इस पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ये गाइडलाइन जोन के आधार पर तैयार की जाएगी। दरअसल COVID-19 के कारण केंद्र सरकार की ओर से जो जोन तय किए जा रहे हैं, उनके आधार पर फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम पर ये गाइडलाइन होगी। फिलहाल देश भर के राज्यों से सभी तरह की परीक्षाएं न कराने के लिए छात्रों की मांग हो रही है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के साथ फाइनल सेमेस्टर के छात्र भी परीक्षाएं ना कराने की अपील कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी साफ कह दिया है कि UGC की गाइडलाइन आने के बाद ही राज्यों में यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम पर फैसला होगा। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने जल्दबाजी में परीक्षाएं कराने का फैसला लिया, जिसे वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र में भी CM के आदेश के बावजूद विवाद बना हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री ने स्थिति साफ कर दी है, फाइनल सेमेस्टर पर UGC की गाइडलाइन के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसे होगा प्रमोशन। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले साल के छात्र को 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, दूसरे या तीसरे साल के छात्र को 50% पिछले सेमेस्टर के अंक और 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर पर गाइडलाइन आएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय एंड स्टे होम स्टे सेफ।